बौद्धिक ज्ञान को कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक गोटुल व्यवस्था है। इस गोटुल व्यवस्था में आपको अनेक प्रकार के ज्ञान पढ़ाए जाते थे। उसमें ध्यान, योग, तंद्री। योग तंद्री नाम तो सुना है आपने? नहीं सुना है, चलो ठीक है। ध्यान, योग, तंद्री से लेकर आपके शरीर को कैसे डेवलप किया जाए, आपका माइंड कैसे एकाग्र हो जाएगा एक चीज़ पे, वो सभी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती थी आपको। हर एक विषय, ग्रह नक्षत्र तारों से लेकर आपके भौगोलिक स्थिति पर, आपके इतिहास पर, आपकी भाषा पर, सभी चीज़ें गोकुल में सिखाई जाती थी। और आज भी नहीं देखना, आपको देखना है, थोड़ा सा आपके पास नहीं है तो आप देखना चाहते हैं तो वल्ले किनार जाइए, कांकेर जिला बस्तर, जो हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे कांकेर जिला है, वहाँ पे एक बार जाके उस गोटुल को भेंट दे के आइए। सिस्टम क्या है समझ में आएगा, क्योंकि बाकी लोगों ने उनको गोटुल को तो बदनाम किया है, वहाँ पे लैंगिक कुछ काम होते हैं ऐसे वगैरह बताया है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि गोटुल सिस्टम के देखिए। तो ये जो है, आप जब भी, चलो ठीक है आप गोटुल में नहीं है, फिर भी इस दीप तक कैसे पहुँच पाएंगे? शंभू ने जो मार्ग दिया है वो मार्ग सिर्फ देख के चले जाने के लिए नहीं दिया है, कि आप शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से आप प्रकृति को जिस दिन समझेंगे उस दिन आप उस लेवल में पहुंच जाएंगे जिस लेवल में हमारी सल्लेर गांगेर का जो दीप दिखाया है मोदवेडची अवस्था बोलते हैं। लेकिन उस अवस्था में आपके पास कोई शक्ति नहीं आएगी, लेकिन एक शक्ति आएगी जो कि बड़ी होगी और सबको ढेर करेगी, वो है तार्किक शक्ति। आप उस लेवल पे तर्क लगा पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, जिसे ही मैंने अब भी 5 मिनट पहले डिसीजन मेकिंग पावर कहा था। निर्णय लेने की क्षमता इंसान में तब आती है जब वो अच्छे और बुरे कर्मों को देखता है, अच्छे और बुरे लोगों को देखता है, और वो इतना एक्सपीरियंस कर पाता है कि अच्छा किया तो क्या होगा और बुरा किया तो क्या होगा। तो इस सिस्टम को देखने के बाद उसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर आती है, उसी पावर को हम कहेंगे मोदवेडची। तो इससे क्या हुआ, मोदवेडची अवस्था में आप जब पहुंच जाते हैं तब आप एक इंसान जो थे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बनते हैं जो इंसान प्रकृति को समझता है। और इसी अवस्था को सबसे लास्ट में गोंडियनों ने बताया, इसके ऊपर नहीं जाना है, भगवान भी नहीं बनना है, आपको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, ऐसे कोई वादे भी नहीं करता हमारे इसमें। हमारे इसमें सीधा सल्लेर गांगेर को डायरेक्टली सामने रख के ये बताया है कि इंसान तो प्रकृति को समझ और इंसान बन और अपने तरीके से चल। तो ये मुनसुल सर्री जो है वो ये तीन ही मार्ग इंगित करता है आपको, कि आपके किसी भी पेरस्थल में आपको ये दिखेगा तो एक समझ लीजिए कि ये मेरा पेन कड़ा है, शंभू का मूंद सुल सर्री मेरे पास है। और हड़प्पा में उत्खनन में जो मिला है, जो लिपि में मिली है, वो ऐसा ही है, ऐसा ही है। प्राचीन त्रिशूल जिसको कहेंगे हम लोग मुनसुल सर्री, वो ऐसा ही है। कंगाली साहब के लिपि में भी ये वर्ड आया है, कंगाली साहब के लिपि में भी ये वर्ड आया है, जिन्होंने पढ़ी है इस सिंधु घाटी सभ्यता को, उनके लिपि में भी ये वर्ड आया है, त्रिशूल मुनसुल सर्री का मार्ग आया है। और उसी को तो हम लेकर चलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, किसी ने सामने जो मुनसुल सर्री बता दिया तो हम डर जाते। अरे मुंद याने तीन, शूल याने प्रकार, और सर्री याने मार्ग। तीन प्रकार के मार्ग शंभू ने आपको दिए हैं, जिसको ही हम ट्रायंगुलर फिलोसॉफी करते हैं, इसलिए ये तुंडा मुंडा कुंडा एक दूसरे के साथ लिंक हो जाता है, क्योंकि वो भी ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर है। आपके जीवन के पड़ाव कितने, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आपके भी तीन ही है ना। किसी को भी किसी भी पड़ाव में चले जाएंगे तो एक करियर में आप जाइए, करियर में भी तीन पड़ाव आएंगे, एक शुरुआत, परिपूर्णता और संपन्नता। किसी भी चीज में आप जाएंगे तो ये तीन पड़ाव ही आपको मिलेंगे। तो इसलिए ट्रायंगुलर फिलोसॉफी की याद रखिए। जब हम एक नए क्षेत्र पे जाते हैं, इतिहास भी पता नहीं है, नए क्षेत्र पे जब चले जाते हैं, एक कोई ट्राइब है उसके पास गए, उस ट्राइब का इतिहास मेरे पास लिखित में नहीं है, फिर भी मुझे उस ट्राइब पे अध्ययन करना है, तो मैं मेरे कल्चर के ये रूल फॉलो करता हूँ। मुनसुल सर्री, तुंडा मुंडा कुंडा, ये मुझे पता है ना, तो ये मैं फॉलो करता हूँ। क्या आप में कितने प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो फिर वो बताते हैं, एक जन्म में तब होता है, एक शादी में होता है, और एक मरने के बाद। अरे उसी कंसेप्ट में तो आप हैं फिर। अगर आपको बेस पता रहे तो नई चीज़ें हम खोज सकते हैं, पकड़ सकते हैं उसको। जैसे कि एक देवस्थान का मैं आपको बता दूँ, ये घड़ी है,
तो कोई गर्भागृह भी होते हैं, कोई मंदिर भी होते हैं, तो उसका एक कंसेप्ट है जो तुंडा मुंडा कुंडा पे डिपेंड है, जिसको आप मैं आपको बता के चलता हूँ। जीएसयू की टीम है तो चाहे नई चीज़ खोजे तो आपको वो पता चले कि वो सिस्टम क्या होता है। समझो एक प्राचीन पेन स्थल है, गर्भगृह है, जिसका कोई इतिहास हमारे पास लिखित में नहीं है, और हमें तो हमारे पुरखा तो बताते हैं कि वो अपना है, तो उसको प्रूव कैसे करें ये हमारा है या ऐसे बोले कैसे। तो इसके लिए एक नियम है कि हमारे पुरखाओं ने जब भी अपने गर्भगृह प्राचीन पेन स्थल को बांधा है यहाँ पे, तो उन्होंने तुंडा मुंडा और कुंडा थ्योरी को फॉलो किया है। जैसे मैं ये बताऊंगा, आप बहुत सारे गर्भगृह के बारे में मुझे बताने लगेंगे। एक है कि जो प्राचीन गर्भगृह होता है उसके किसी एक साइड में, किसी भी एक साइड में जलाशय होता है, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो नाला हो, उसके साइड में जलाशय होता है, और उसके एक साइड में, कोई भी साइड में, प्राचीन श्मशान घाट भी होता है। समझ रहे आप, जहाँ पे श्मशान भी हमें नजर आता है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे पुरखा ये मानते थे कि हम इस गर्भगृह में इस तीनों चीज़ों को दिखाया, तुंडा मुंडा कुंडा, पानी का स्रोत यानी जीव की उत्पत्ति, तुंडा जो वहां का पेन स्थल है, जो गर्भगृह है, वो गर्भगृह आपको संपन्नता परिपूर्णता और मंडा दिखाता है, मंडप होता है वो गर्भगृह, और कुंडा यानी स्मशान घाट भी आपको नजदीक मिलता है। तीनों अगर नजदीक मिलते हैं तो लॉजिक लगा लीजिए वो 101% गोंडवाना का स्थल है, स्थल है। और कभी भी आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो इस चीज को आप कैलकुलेट करेंगे कि क्या है, ये होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो बहुत सारे आज भी बड़े बड़े पेन स्थल है ना, बड़े बड़े, उसमें भी गोंडवाना का कंसेप्ट है, जिसको हमने जगन्नाथपुरी को भी मैंने बताने की कोशिश की है अलग वीडियो में, वो भी हमारा आंगा पेन है। दूसरी एक बात है जिसको आप समझ सकते हैं, देखिए इस दुनिया में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, अनेक भगवान हैं जिन्होंने उनकी निर्मित की, लेकिन हमारा उनका कैसे अलग है। इस पृथ्वी में जब हम पहले आए होंगे, जन्म लिया होगा, तो इस जन्म लेने के बाद हमें सबसे पहले दो ही चीज़ें मिली, एक प्राकृतिक पत्थर है और पेड़। तो जितने भी ट्राइब में, जितने भी कल्चर में आपको लकड़ी के पेन नजर आते हैं, ये पॉइंट मेरा याद रखिए, जहां भी कल्चर में लकड़ी के पेन नजर आते हैं, मोस्टली 101% वो ट्राइबल कल्चर होता है। कि पेड़ों से पेनों की निर्मित करना, ये भी ट्राइबलों का ही कंसेप्ट है। बाकी किसी धर्म में जाके देखिए, उठा के देखिए, आपको उनके पेन पत्थरों के मिलेंगे, वो भी घड़ाए हुए, और हमारे अगर पेन मिलेंगे तो वो अनगढ़ा पत्थर होगा। चलिए एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, येर में सरनेम है हमें, आपको पता है? नहीं है। येर में सरनेम होता है, येर यानी पानी, तो वो आदमी येर में है तो वो जल देवता को ही मानता है, इस पृथ्वी के वाटर के स्रोत को मानता है। तो उन वो लोग कैसे पूजा करते हैं, नदी में जाते हैं, जो निरंतर पानी में रहा हुआ पत्थर है, किसी एक पत्थर को चुनकर वो लाते अपने पेनगड़ा पे रख देते हैं और उसी को अपना सर्वस्व मानकर पूजते हैं। पानी से पत्थर लाने की क्यों जरूरत थी, वो जल देवता के हैं, वो जल स्रोत के पुजारी हैं, इसलिए वो अपने पेनगड़ा पे पानी वाला पत्थर लाके रख दिया, उसको कुछ घड़ाया नहीं, मड़ाया नहीं, और उसको बना दिया। तो इस सिस्टम को समझ रहे हैं कि हम अपने पेनों को, पेन स्थलों को कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अनुकरण कर सकते हैं हम लोग, और ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा स्थल है, ये हमारी इस विचारधारा के तहत आ रहा है। आपको समझ तो आ रहा है कि कैसा, थोड़ा पानी की व्यवस्था होती तो पानी यार पिलवावर कुटे किधर पानी ये लीजिए आई थोड़ा बैठ लीजिए ज़्यादा था इसलिए पहले निकाल ठीक है। मैंने कमाया हुआ ज्ञान प्लस करेंगे तो पिताजी से मेरा ज्ञान थोड़ा तो बड़ा है, मैं मेरे बेटे को दूंगा तो मेरा ज्ञान और बेटा खुद उस ज्ञान से कमाएगा, उसका ज्ञान प्लस करेंगे तो मेरे से वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा उसका नॉलेज बड़ा। तो जैसे इंसान की बुद्धिमत्ता बढ़ती है वैसे उसके डीएनए का कोडिंग अपने आप बॉडी में होता है, इसलिए हमारे पुरखा कहते थे कि हम डीएनए कोडिंग वाले लोग हैं,
डीएनए में डाटा को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा डीएनए दिन ब दिन धार बनता चला जा रहा है और दिन ब दिन हमारे इसमें होशियार लोग आ रहे हैं, होशियार लोग आ रहे हैं, तो इसी चीज का है। लेकिन जो कुपार लिंगों ने गोत्र व्यवस्था बना के दी है, जिस गोत्र व्यवस्था को हमें समझना है, मैंने सवेरे वहाँ पे टॉपिक छेड़ा था यहाँ पे टिकाम जी के घर में कि गोत्र व्यवस्था क्या है, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। कुपार लिंगो जब उनको गोत्र व्यवस्था बनाना था तब कुपार लिंगो ये भी कर सकते थे, कचारगढ़ में जाओ एक दो तीन चार पाँच से 30-40 तक देव बना दो और किसी को किसी से भी शादी करवा दो। ये तो सरल था ना, ये सरल था, ज़्यादा दिमाग को दही नहीं। फिर कितने सगा के हो भाई, भाई पूछेंगे एक दूसरे को, मैं 50 सगा का हूँ, बोल देता था वो आदमी। हाँ, लेकिन सिस्टम ये है कि कुपार लिंगों ने 12 सगाई क्यों बनाए और वो सगा क्यों हमारी इसमें डाले, क्यों डाले, इसका कारण हमें देखना है। तो ये समझना पड़ेगा, कुपार लिंगो जब उनको पता है कि मैं मेरे समाज को सगा व्यवस्था दूंगा तो वो कैसी होगी, इसके लिए उन्होंने यहाँ के कोयामुरी द्वीप का भ्रमण किया। भ्रमण किया तो क्या हुआ, वो उमरिया क्षेत्र आए होंगे, कभी प्राचीन काल में वो भोपाल गए होंगे, वो महाराष्ट्र आए होंगे, वो उड़ीसा गए होंगे, वो झारखंड गए होंगे, किसी भी क्षेत्र में वो घूमे होंगे, तो उनको एक नज़र आया कि हर जमीन में अलग अलग प्रकार का खनिज है, धातु है। कहीं पे हमें लोहा मिलता है, हमारे गढ़चिरौली में आएंगे तो लोहे की खान है, कहीं लोहा मिलेगा, कहीं कौन सा तांबा मिलेगा, कहीं एल्युमिनियम मिलेगा, बहुत सारे धातु है जो अलग अलग जमीनों के अंदर में भरे पड़े हैं। तो उन्होंने ये देखा कि अगर ये धातु है, भरे पड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी पेड़ के मार्फत, उस पेड़ में भी अधिकांश मात्रा में होंगे, अगर इस जमीन में जो धातु है वो इस पेड़ के मात्रा में अधिकांश इसमें पेड़ में होगा, और इस पेड़ पर जो जीव जीता है, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, वो खाएगा, तो इनडायरेक्टली उस क्षेत्र में रहने वाली गाय बैलों के अंदर में भी उस धातु का अंश होगा, और हम उस प्राणियों को खाकर जीते हैं तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के ब्लड में भी उस अंदर रहने वाले खनिज का असर होगा। तो अगर हर क्षेत्र में अलग खनिज मिलता है तो इनकी अगर शादी करवाई जाए, किसी के लोहा मिलता है, किसी का एल्युमिनियम मिलता है, किसी का तांबा मिलता है, किसी का कुछ मिलता है, इन सभी की शादी करवाई जाए तो वो शादी सफल हो, आने वाली संतान मजबूत हो, इसके लिए यह गोत्र व्यवस्था है। और उस गोत्र व्यवस्था के बनाने के बाद भी लोगों का बहुत ज्यादा पलायन हुआ है, स्थानांतरण किए हैं वो लोग, किसी राजा ने यहाँ पे हमला कर दिया तो कहीं पे सूखा पड़ गया, तो कुछ चीजों से हमारे लोगों ने पलायन किया, लेकिन अपना गोत्र नहीं भूले, अपना चिन्ह नहीं भूले, अपने सगा की व्यवस्था नहीं भूले। और आज भी उनमें देखिए, जो प्राचीन इस सिस्टम को संभलते आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा बीमारियों का संक्रमण कम है। गोत्र व्यवस्था को मैं भी अपने एमए के लेवल पे इसी व्यवस्था को मैं झूठ कहता था, मैं भी सिस्टम को जब नहीं समझ पा रहा था तब मैं भी यही बता रहा था यार ये सब गलत है। लेकिन आज हाथ जोड़ के मैं सभी को विनती करता हूँ कि इस व्यवस्था में चले आइए, क्योंकि मैंने इस व्यवस्था को समझा है, तो आप भी समझिए और आने वाले पीढ़ी को बताइए। ये गोत्र व्यवस्था ऐसी नहीं है जो 5 सगा 6 सगा 7 सगा 8 सगा 12 सगा तक जो सगा है, 3 सगा 2 सगा भी मिलते हैं, 1 सगा भी मिलता है, आज हमारे एरिया में 12 सगा भी मिलते हैं, जो तोरे हैं वो 12 सगा के। तो ये नंबर वाले सगा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपके एरिया में इसको छूट गया है, मेरी एरिया में जब एक लड़का लड़की का स्थल आता है और एक दूसरे को देखते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या होता है पता है आपको, वो कमाता कितना है वो नहीं जानते, ये पूछते हैं कि तुमने किसका दूध पिया है। मैं हूं तो मेरी माँ गेड़ाम के घर से आई है तो मैं उनको बताऊंगा मैंने गेड़ाम का दूध पिया है। तुम्हारे मामा का कुल पहले पूछते हैं, और अगर लड़की लड़के का कुल मामा का सेम आता है तो वो रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी कुलस्ते के भांजे हैं और मैं भी कुलस्ते का भांजा हूं, तो कहीं ना कहीं से हम भाई भाई लगेंगे, मियां बीबी कैसे लगेंगे। तो इस सिस्टम को कुपार लिंगों ने आपके सामने रखा, जिसे हमें
हम दूध व्यवस्था कहते हैं, किसी क्षेत्र में क्या हुआ सम विषम को देखते हैं। आप दो चार क्षेत्र देखें तो अलग अलग सिस्टम है गोत्रों की, शायद हो सकता है कि भूल गए, शायद हो सकता है कि कुछ बदलाव है, दोनों चीज़ों को हम लेकर चलते हैं। तो कहीं पे सम विषम व्यवस्था है, 1, 3, 5, 7 ये जो है ये एक दूसरे में भाई लगते हैं, वो 2, 4, 6 को के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन समा समा 3, 3 के साथ नहीं और 3, 5 के साथ भी नहीं कर सकता, वो विषम विषम आ जाएगा। समा समा भी नहीं, विषम विषम भी नहीं, शादी सम विषम में भी होती है। 5 हैं तो वो 4 के साथ करेगा, जैसा कि मैं 5 और मेरी पत्नी 4 सगा की, मैं 5 सगा हूँ, वो 4 सगा होने के कारण हमें हमें जो कनेक्शन आया वो सम विषम का कनेक्शन आया। हमारे जो माम कुल है वो भी अलग अलग होने के कारण हमारी शादी में कोई बवाल नहीं हुआ, बढ़िया से शादी होगी। और हमारी तरफ ये देखता है तो मैं ये नहीं कहता कि हमारी तरफ होता है इसलिए करिए, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है गोंडवाना में अनेक बीमारियों का संक्रमण और अनेक प्रकार के जो जीवों की अभी उत्पत्ति हो रही है वो नहीं होती अगर हम गोत्र व्यवस्था को पकड़े रहते। लोगों को लगता है कि गोंड जो लोग हैं वो कट्टर है, अपने जाति में से बाहर नहीं जाते, जाति में अंदर आने नहीं देते, तो इसके लिए हमारे कुछ नियम भी हैं, इस प्रकृति के सार को जानने वाला डीएनए हमारा पास है। अभी सर बोलेंगे आप, हमें तो अपना कुछ पता नहीं, हम कितने देवे हैं, क्या टोटे में किसके साथ का साथ शादी कर सकते हैं, तो इसलिए आपको उन लोगों के कनेक्शन में आना पड़ेगा जो लोग अपनी गोत्र वंशावली जानते हैं, कभी कहीं प्रोग्राम करते हैं नागपुर के पास आपके इर्द गिर्द, तो आपको जाना है, सीखना है, उनसे बहुत नॉलेज लेना है और फिर अपने गोत्र वंशावली गोत्र पद्धति को ठीक करना है। हम जो बाहर से आते हैं वो 2-4 घंटे भाषण देने के बाद हम आपको ठीक नहीं करवा सकते, वो अंदर का मामला है तो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। समाज की जो महासभा है उसके सामने बैठिए और एक नियुक्त कीजिए कि हमारे क्या है, तो हम उसको डबल से लाएंगे और आज से हम जो बनाएंगे विवाह संबंध वो उसी तरीके का होगा। धीरे धीरे होगा, ही ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, सब एक हो जाओ, एक विचार के साथ हो जाओ और आगे बढ़ो। तो गोत्र व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जितना आपको सरल लगती है, इसके पीछे कुपार लिंगों का बहुत बड़ा दिमाग है जिन्होंने इसको डेवलप किया है, वो जानते थे। और आज भी आपके मेरा जो 5 सगा का हूँ मैं, तो 4 सगा है, सिरलाल सिरकाल सिरपाल सिरपाल आपके 4 सगा के नाम है। मैं 5 सगा का हूँ तो आराउड महाराउड रेकाराउड मेकाराउड दोन ले रहा हूँ, ये मेरे 5 सगा जो है ये भगवान नहीं है, ये धातु के नाम। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं, यही बोलते हैं कि कुपार लिंगों ने सिर्फ सगा गोत्रों का विकास किया या निर्मित की, कुपार लिंगों ने इन धातु का भी खोज किया है। गोंडवाना दर्शन नाम के मासिक में मेरे ख्याल से 95 या 94 में ये एक आर्टिकल आया था, गोत्र नहीं धातु है, कोकोडी जी का आर्टिकल था ये। और ये आर्टिकल मैंने मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले इसको पढ़ा था और इस पर थोड़ा रिसर्च भी करा था कि गोत्र व्यवस्था आपकी पेन व्यवस्था जो है वो भगवान व्यवस्था नहीं है, वो धातु है जो आपको बताते हैं कि आपकी शरीर में कितने प्रकार के धातुओं का संचार ज़्यादा है, वो है गोत्र व्यवस्था। और इस गोत्र व्यवस्था को लागू करने में कुपार लिंगों ने पूरी ज़िंदगी बिता दी है और इसलिए इस गोत्र व्यवस्था को आप जानिए। कुछ सवाल रहे तो आपके पास साहित्य अवेलेबल है, आप 2 दिन में साहित्य अवेलेबल करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसे। एक राहुल खन्ना के भी साहित्य को देख के ही निर्माण हुआ है। तो टॉपिक यही है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग तैयार हो सकते हैं अगर वो पढ़े तो, अगर किताबों को पढ़े तो आपके क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा बच्चे निर्माण हो सकते हैं जो गोंडियन व्यवस्था को बताते। और इसीलिए राहुल खन्ना के हो चाहे कोई भी हो, वो आएंगे फ्लाइट से आएंगे या गाड़ी से आएंगे, तो वो जो साहित्य मैं बता रहा हूँ ये साहित्य है तिरुमल मोतीराम कंगाली साहब का, जो पूरा लिटरेचर है उसको आप पढ़ लीजिए, नाम लिख लीजिए तिरुमल मोतीरावन कंगालेसर। बिल्कुल, तो इसमें आपको पढ़ना है पुणे तो मेरे ख्याल से कंगाली सर जी के लगभग 30 किताब है, लगभग 30 किताब है। और मेरे ख्याल से उसका सेट अगर आप कुरियर करेंगे तो 2000 के आसपास आएगा पूरा सेट।
अगर नहीं लेना है तो एक दो किताब बुला लीजिए कुरियर से। तो किताबों का नाम है पारी कुपार लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन, ये किताब जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा है गोंडवाना का मूल स्थल परिचय, जिसको आप गोंड लोगों का कस्टमरी लॉ जानना है तो हेमंत डाफ एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने किताब लिखा था, उस किताब का नाम है राजगोंड्स ऑफ आदिलाबाद। ये किताब अंग्रेजी में है लेकिन आपको मेरे ख्याल से नेट पर मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी तो मेरे टीम को कॉन्टैक्ट करिए, PDF तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे आपको। राजगोंड्स ऑफ आदिलाबाद ये हेमंत डार्फ नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखी थी आदिलाबाद के गोंड लोगों के ऊपर, लेकिन आदिलाबाद के गोंड लोगों को नहीं तो ऑल इंडिया के गोंड लोगों को वो कस्टमरी लॉ लागू होता, तो उन्होंने आदिलाबाद के गोंड पर रिसर्च किया तो वहाँ पे लिखी। तो उस किताब में जो कस्टमरी लॉ और लॉ बताया गया है वो पूरे गोंड जनजाति को लगता है। मैं वेरियर एलविन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेमंत डार्फ की बात कर रहा हूँ। और एक किताब है जिस किताब का नाम है गोंडवाना लैंड का मानव गोंड, इसके लेखक है राजेंद्र बाबू ढोके जी। गोंडवाना लैंड का मानव गोंड मेरे ख्याल से आपके क्षेत्र में मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि ये मंडला साइड ही लेखक है। इसके लेखक राजेंद्र बाबू ढोके इसके लेखक है। हाँ तो पता नहीं कहाँ से है वो, उनका किताब मैं पढ़ के बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। तो आपके मंडला या बालाघाट क्षेत्र के वो है तो ये आपको किताब आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। हमारे पास तो फिलहाल जेरोक्स है, जेरोक्स से हम पढ़ रहे हैं, आपको तो पूर्ण किताब मिलनी चाहिए क्योंकि MP की यह किताब है गोंडवाना लैंड का मानव गोंड। और अगर आप पढ़ेंगे तभी, मुझे किताबें याद नहीं आ रहे तो कोई मेरी, आप सभी जो लगे लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेना, किसी को कोई शंका है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज तो आप कर सकते हैं, कॉल तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप पहले मैसेज करिए, मैं तुरंत आपको अर्जेंट रहा तो कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो सिस्टम यही है, गोत्र व्यवस्था को आपने समझा कि नहीं, आपके टोटेम क्या है, खैर वो टोटेम अपने अपने क्षेत्रों में अलग होते हैं। मैं मेरा टोटेम अगर यहाँ पे बता दूंगा पातसागांव को वो नहीं लगता। टोटेम कैसे बने पता है कि जंगल में जिस प्राणी की जिस पक्षी की अहमियत ज़्यादा है जिस क्षेत्र में उस प्राणी पक्षी को टोटेम बनाया गया। मेरे गांव के मेरे गोंडपिपरी और मेरे गढ़चिरौली के जंगल में जो प्राणी आते हैं वो प्राणी शायद इस जंगल में नहीं और इधर थोड़े दूसरे ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं। मेरे जंगल में पेड़ जो आते हैं वो पेड़ छोड़कर इधर भी दूसरे पेड़ ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं। तो हर क्षेत्र के जंगल के अनुसार प्राणियों के अनुसार उस क्षेत्र के टोटेम में बदलाव आता है। तो टोटेम उसका प्राणी पक्षी और जो पेड़ है वो धीरे धीरे बदलाव आता है। तो मेरे महाराष्ट्र के मैं आपको टोटेम बताकर कुछ अच्छा नहीं करूँगा, तो एक काम करिए टोटेम कैसे ढूंढते हैं ये बताइए। ये देखिए आपके पुरखाओं ने भले ही टोटेम को छोड़ दिया हो, भूल गए हो, लेकिन वो एक चीज़ करते थे, वो ये है कि बेटा ये प्राणी अपना देव है इसको नहीं मारना, ये बताते थे पहले, ये प्राणी जो है अपने लिए देव समान है इसको नहीं मारना, इसको नहीं कुछ करना, ये जो पेड़ है अपने लिए देव समान है इसको नहीं तोड़ना, ऐसे जो बता के रखते थे। एक्चुअली वो टोटेम ही था, वो भूल गए और उसको भगवान बना दिए, देव बना दिए, तो ऐसे भी बता के रखते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला तो फिर वो धीरे धीरे निकलने लगा, हाँ जी मेरे पापा तो बोलते थे कि कछुआ को मत मारो, कछुआ को खाना नहीं, तो तुम कितने सगा के हो, नहीं सर मैं नेता हूँ, अरे तो कछुआ ही है तुम्हारा फिर। तो ऐसे लॉजिक से भी हम ढूंढ सकते हैं कि हमारे टोटेम क्या है जहाँ पे ख़त्म होने के कगार पर। नहीं तो आप छिंदवाड़ा क्षेत्र जाइए, आपके एरिया में जहाँ पे गोंडी भाषा कस्टमरी लॉ बचा है उस क्षेत्र में जाइए, आपके सरनेम का जो आदमी है उससे पूछिए तुम क्या करते हो तो वो मुझे बताओ, वैसे भी सीख सकते हैं। टाइम तो निकालना पड़ेगा, सीखना है तो टाइम निकालना पड़ेगा, लोगों में घुल मिलना पड़ेगा, उनकी भाषा सुननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब जाके वो हमें समझ आएंगे। तो आपको तुंडा मुंडा कुंडा ये तीन चीज़ें नजर आई, समझिए कि ये प्रकृति का एक पड़ाव है जिसको हमने अपना नेंग माना है, ये अप्राकृतिक नहीं है, ये प्रकृति का ही एक अंश है। दूसरा हमने किया मुंद सूल सर्री, हमारे बॉडी में तीन प्रकार के अंग होते हैं, वो अंग है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। जैसे कि सल्लेर गांगेर को मैंने बताया कि बीच का जो मोद वेड़ची का सिद्धांत है वो तब आता है जब आप में अच्छे बुरे की परख हो, आप में डिसीजन मेकिंग पावर हो, तब आप इंसान से अच्छे इंसान बनते हैं।
और तब आपके ज्ञान का जो प्रकाश है कि नहीं, वो प्रकाश लोगों के लिए काम में आता है, उसे ही हम करते हैं नद मोद वेड़ची, और उसी के लिए तो जैसे वा सिंबल में ऐसे दीप नजर आता है ऊपर में। ठीक है, ये गोत्र व्यवस्था आपको बतानी थी, क्योंकि मैं कल बता नहीं पाया। तो गोत्र व्यवस्था समझ में आई कि इसका मूल बेस क्या है? मूल बेस है धातु व्यवस्था। मूल बेस है कि इससे ना हमारी जो संतान है वो अच्छी पैदा हो, मजबूत पैदा हो, और डीएनए का कोडिंग चलता रहे। इस डीएनए के कोडिंग को ही हम गोत्र व्यवस्था कहते हैं। तो इस व्यवस्था को भी आप जान लीजिए और समझिए और इम्प्लीमेंट करिए। और उसमें इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ तो और एक घंटा लगेगा, लेकिन मेरा अभी ये दुख रहा है थोड़ा, तो मैं जल्दी रोक दूँगा। तो सिस्टम यही है कभी, और कैसा है कभी कभी डॉक्टर जो है आपको कितना भी बुखार आए तो एक ही गोली देता है, चार पांच गोलियां नहीं खिला देता। इसका मतलब यह है कि अभी आज के लिए आपको इतना ही है, जितना कि मैंने बताया। आप घर में जा सकते हैं, एकांत में चिंतन कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करें, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो छोड़ दे, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन अच्छा अगर लगता है तो दूसरे लोगों को बताइए, उसमें थोड़ा सुधार करिए। कभी मैं तो चाह रहा हूँ कि आने वाले धूपकाले में एक राउंड इधर कर ही लूँ, तो अगर आता हूँ तो फिर से मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर एक कोई और सब्जेक्ट लेंगे, तब तक मैं भी कोई और चीज़ में रिसर्च करके रहूँगा। जो मेरे पास है वो आपका है, जो आपके पास है वो मेरा, यही तो पुणे है। जिसको हम मांदी कहते हैं गोंडी वाले बैठक, आज की जो पार्लियामेंट भी है वो आपसे प्रेरित है, संसद जो है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो मांदी बैठक बैठाने वाले हम लोग हैं। तो हमारे इसमें क्या होता है, पंच भी नीचे बैठता है, अपराधी भी नीचे बैठता है, बाकी गाँव करी भी नीचे बैठता है, एक दूसरे के साथ समांतर में बैठ के जो करते हैं उसे मांदी कहते हैं। एक ऊपर में बैठेगा और नीचे बैठेगा ऐसा नहीं चलता, समांतर है। तो आपको ये तीन पॉइंट समझ में आए, मुझे एक पॉइंट याद आया था लेकिन मैं भूल गया, अभी याद ही नहीं आ रहा मुझे। तो मुनसुल सर्री भी यही है, गोत्र व्यवस्था भी यही है, सिस्टम भी यही है, समझना आपको है कि कैसे उसको जानना। कुछ हमारे जैसे नर्मदाल में है जो थ्योरी आपको पता होगी, कंगाली साहब ने इस थ्योरी का जिक्र किया है, जिस थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताते चलता हूँ। इस दुनिया की सबसे पहली, या ऐसे कहेंगे कि कोयामुरी द्वीप की सबसे पहली नदी नर्मदा है, जिसे नर्मदा जी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो नर्मदा उसका कंसेप्ट है, नर्मदा नहीं है, नर्मदा। और इस नाम में क्या आ गया, नर भी आ गया, मादा भी आ गया, इसका मतलब ये है प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, और हम उसी तो शक्ति को पूजने वाले हैं। तो हमारी वहाँ पे कपलाई धारा भी है, हमारी वंशवीढ़ी भी है। तो हमारे जो प्राचीन पाटे कहते थे, एक देखिए, एक पाटा अगर लाखों सालों से लोगों में आ रहा है, एक पटाड़ी गा रहा है, दूसरा पटाड़ी गा रहा है, तीसरा गा रहा है, चौथा गा रहा है, वो हजारों पीढ़ियों से पाटा आ रहा है। तो वो पाटा क्या होता है, वो पाटा थोड़ा सा बदल जाता है। यानी जैसे एक चीज़ है, मैंने आपके पास फेंकी वो मिट्टी में गिरी, फिर आपने दूसरे के पास फेंकी मिट्टी में गिरी, वो मिट्टी लगते लगते वो चीज़ बदल जाती है, थोड़ी ख़राब हो जाती है। पाटे का भी वैसे ही हुआ, अपने लोगों ने पाटे गाते गाते हुए एक एक वर्ड वहाँ पे डाल दिए, एक एक शब्द वहाँ पे डाल दिया, और वो आते 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 जब हमारे पास वो पाटा पहुँचा तो उसमें चमत्कार हो गया। तो इस चीज़ को अगर हम धोंगे और जो चाहिए वो लेंगे, तो उसमें हमें ये मिलता है, अमरकंटक में कोयतूर आदमी के पाटे के अनुसार जीव की पहली उत्पत्ति अमरकंटक के गुफा कंदरों में हुई, अमरकंटक का जो परिसर है। और ऑब्वियसली हम ये देखेंगे कि प्राचीन जो मानव का रेन बसेरा था वो किसी भी जलाशय के आसपास में था, किसी भी जलाशय के आसपास में, क्योंकि पानी की सुविधा जहाँ पे है वहाँ पे हमें प्राचीन मानवों का रेन बसेरा मिल जाता है। तो अमरकंटक के गुफा कंदरों में इतिहासकारों को भी प्राचीन नरकंकाल मिले हैं, और कौन से युगीन, अश्मयुगीन नरकंकाल मिले। इसका मतलब यह, हमारा जो पाटा कह रहा है वो सही है। हमारा पाटा ये भी कहता है कि अमरकंटक की चोटी जो है वो सिर्फ थोड़ी खुली थी और बाकी इसमें जलाशय था। इस बात को बहुत लोग नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतनी सारी पहाड़ियाँ डूब कैसे सकती है। तो वहाँ पे भी इतिहासकारों को, जैव वैज्ञानिक वाद लोगों को समुद्री जीवाश्म मिले हैं अमरकंटक की पहाड़ियों पर। वो कैसे आए फिर, हमारा गोंडी पाटा तो ऐसे, क्योंकि क्या है, पाटाओं को लोग बहुत नहीं मानते, अरे चलो यार पाटा तो गाना है कभी भी बन सकता है, ऐसे थोड़ी ना। तो चीज़ ये है
कि वहाँ पे समुद्र जीवाश्म मिले हैं, वहाँ पे लोगों को ये आधार मिला है कि प्राचीन गुफाओं में नरकंकाल होते थे। आज भी हमारे पाटाओं में एक शब्द आता है, कोया ते मनवाल। कोया यह ऐसा वर्ड है जिसे पोकड़ी को, गुफा को भी हम कोया कहेंगे, माता जी के गर्भ को भी हम कोया कहेंगे, और हम किसी फूल को या महुआ के फूल को भी हम कोया कहते हैं। इसलिए उस फूल को, महुआ के फूल को इरुक पुंगार या कोया पुंगार कहते हैं। तो कोया मनवाल यह वर्ड आता है, तो कोया मनवाल का अर्थ होता है गुफा के निवासी। मनवाल यानी मानव और कोया यानी गुफा, यानी गुफा में रहने वाले लोगों को हमारे गोंडी पाटाओं में कोया मनवाल बोला है। तो हमारे पाटाओं में वो भी है, तो अमरकंटक की गुफा कंदरों में वहाँ पे प्राचीन मानव का रेन बसेरा था, अश्मयुगीन मानव के नरकंकाल भी वहाँ पे मिले। और इससे यह सिद्ध होता है कि गोंडी जो पाटे हैं, गोंडी जो ऐतिहासिक पाटे हैं, वो झूठे नहीं है, उसमें इतिहास। बाकी लोगों के ग्रंथों में जो इतिहास मिलता है उसका भौगोलिक क्षेत्र नहीं मिलता, लेकिन हमारे पाटों में जो क्षेत्र, जो इतिहास मिलता है उसका भौगोलिक क्षेत्र है। जंगोद रायताड़ को ढूंढना है तो आपको कोटा परमदुली जाना है, आप कुपारलिंगों के व्यवस्था को देखेंगे तो आपको कचारगढ़ जाना है, आपको कली कंकाली से मिलना है तो चंद्रपुर आना है, आपको पद्मालपुरी काकों से मिलना है तो आपको पद्मालपुरी जाना है। हर भौगोलिक क्षेत्र तैयार है, आपको शंभू से मिलना है तो आपको पचमढ़ी जाना है। आपका भौगोलिक आधार तो है ना जी, इतिहास का भौगोलिक आधार होना चाहिए, तो वो आधार तो आपके पास ऑलरेडी है, तो डर क्यों रहे हम लोग, तो डरना ही नहीं है फिर। अरे शंभू पचमढ़ी में मिलेंगे, जहाँ का जिनका जहाँ का इतिहास है वहाँ पे वो खड़े हैं, वहाँ पे आज भी वो पेन है। हम बम्बलाई दाई बोलते हैं तो डोंगरगढ़ में बम्बलाई है, हम कोराडी दाई बोलते तो कोराडी में अपनी दाई, कुआरा भीमाल पेन की बातें करते हैं तो कुआराल भीमाल पेन नागपुर के पास पारशिवनी में है। भौगोलिक परिस्थिति से तो हम तैयार है पूरे, और इसीलिए यह सिस्टम जितना हम समझेंगे, भीमाल पेन, खैरोदाई, कली कंकाली, जंगो रायताड़दाई, यह कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिसके आप पास जाएंगे, घंटी बजाएंगे और आपको प्रसाद मिलेगा। वो ऐसे लोग थे, इस दुनिया में उन्होंने अपने जैसा ही जन्म लिया है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश की, स्ट्रगल किया, और उनके स्ट्रगल को आज भी हम जानते हैं और मानते हैं। इसलिए जंगो रायताड़दाई, कभी आपको दाई मुझे पास कर देना ऐसे मैं बोलूँगा तो नहीं चलेगा, दाई के विचार जो है, दाई ने क्या किया पता है, जंगो रायताड़दाई कभी आप आएंगे गोटा परंदुली में तो जंगो दाई ने विधवा पुनर्विवाह तो शुरू किया, लेकिन उसके बाद यह वहाँ के कोयतुरों को बिजनेस प्लानिंग दी। अरे कोयतुरों बिजनेस कैसे करना है वो सीखी है। तो अभी भी जंगो दाई के क्षेत्र में येड़मी यसापुर नाम का एक गाँव आता है, जो पूरा गाँव में एक एक घर में 10-10 भैंसे हैं और पूरे दूध निकाल कर आज भी बिजनेस करते हैं जंगो दाई के नाम से, हजारों सालों के बाद भी। ये जब हम आएंगे महसूस करेंगे तब पता चलेगा कि गोंड यानी क्या और उसका गोत्र यानी क्या। तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ये भी हो रहा है, तो थोड़ा रुकते हैं और इस कार्यशाला को यहीं ख़त्म करते हैं। और जो भी मैंने बताया है उसको एक नज़र से नहीं दिखना है। एक ग्लास में आधा पानी है तो कोई आदमी कहता है कि आधा ग्लास भरा है, तो कोई आदमी कहता है कि आधा ग्लास खाली है। तो दो नज़र तो होते हैं एक चीज़ को देखने के लिए। तो जैसे कि मैंने तुंडा मुंडा कुंडा मूनसूल सर्री और बाकी जो चीज़ें बताई हैं उसे कभी भी दो एंगल से निहारना, अच्छे एंगल से भी देखो और बुरे एंगल से भी देखो। किसी भी नॉलेज को आप दो एंगल से देखोगे तब वो बैलेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो वो एंगल को देखने के बाद ही आप ये जो मैं बता रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप कम से कम 10 लोगों तक पहुँचाएं, 10 लोगों को इसके बीच में लाए, इसके बीच में खड़ा करें और उन्हें बताएं कि कोया पुनेम गोंडवाना कोयतुर व्यवस्था क्या है। अगर आप ये कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी हम गोंडवाना का जो नया सपना है वो साकार कर पाएंगे। तो इतना वक्त देके बैठे रहने के लिए बहुत बहुत सेवा जोहार, और फिर यहीं से आपसे विदा लेंगे और थोड़ी देर में मैं निकलूँगा क्योंकि हमें भी जाना है और 10 या 12 घंटे का सफ़र है मेरा हमारे गांव तक पहुंचने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने मेरे को सुना, और कुछ मेरे हाथ से गलती हुई होगी तो सॉरी है। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोमाना, जय भी।